मित्रों, ज्ञान दर्शन वर औसत यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक रति वल्लभ चूर्ण बनाने की विधि बतलाएंगे। वह चूर्ण है, आपको मर्द कमजोरी है, आपको नपुंसकता है, आपने हाथों से हिलाकर अपने सामान को खराब लिया है, बचपन की गलतियों के कारण आपके सामान में ताकत नहीं आ रही है, लिंगोत्थान नहीं हो रहा है, आपका सामान ढीला पड़ गया है, पत्नी आपसे निराश रहती है, आपकी आपस में अनबन हो जाती है, तो मित्रों का कौन सा है आइए जानते हैं। मित्रों, वह रति वल्लभ चूर्ण आप अपने घर में तैयार कर लें और उसका प्रयोग करें, लाभ लें, ताकि आपकी आने वाले समय में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और आप अपने बिस्तर सम्राट महसूस करें। मित्रों, तो आइए जानते हैं वह कौन सा है। आपको लेना है सकाकुल मिश्री 80 ग्राम, बहमन सफ़ेद 40 ग्राम, बन लाल 40 ग्राम, पंजाम 4 ग्राम, सफ़ेद मूसली 40 ग्राम, काली मूसली 40 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 20 ग्राम, गिलोय सत्तू 20 ग्राम। मित्रों, ये सब पंसारी दुकान से मिल जाएंगी। दाल चीनी 20 ग्राम, गंजवा के फूल 20 ग्राम, मिश्री 400 ग्राम, गोखरू 40 ग्राम। मित्रों, सब चीज़ों को महीन पीस लें, चूर लें। एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम गाय के दूध से मीठा डालकर लेने से यह नुस्खा अत्यंत बल वीर वर्धक एवं कामोत्तेजना का योग है। इसके सेवन से शीघ्र पतन, नामर्दी, नपुंसकता, वीर का पतलापन, मित्रों शरीर की गर्मी, सब कुछ शांत हो जाता है। मित्रों, गर्म शरीर वालों के लिए यह दवा कम मात्रा में लें और जो ठंडे शरीर वाले हैं उनको पूरी मात्रा लेनी है। यह का बहुत ही रामबाण और बहुत ही लाभदायक है। मित्रों, इसको आप अपने घर ला करके आप कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक, बहुत ही रामबाण नुस्खा जो हमने आपको बतलाया है, इसको अपने घर ला कर प्रयोग करें, लाभ लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।